नमस्कार, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। अभी मैं हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय पे मैं अभी हूँ। यहाँ पे HDCA के द्वारा अखिल भारतीय चेस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, यहाँ पे झारखंड में लगभग भारत के लगभग 14 राज्यों से बच्चे आए हुए हैं, जो कि 6 साल से लेके लगभग 60 साल के बुजुर्ग तक भी यहाँ पे आए हुए हैं और ये प्रतियोगिता में वो शामिल हुए हैं। आपको सुनाएंगे कि विधायक जी क्या कहते हैं। यहाँ पे हमारे उपायुक्त महोदय भी आए हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं खेलने के लिए, उनसे बातें करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कैसे चेस को वो लेते हैं। क्या नाम है? अपराजिता। कहाँ से आई हो? नमन विद्या। कहाँ से? घर कहाँ है? मटवारी। अच्छा, मटवारी से आई हो। चेस कब से खेल रही है बाबू? सर, 2 से। चेस खेलना अच्छा लगता है ना? आइए, और भी कुछ जो प्रतिभागी हैं उनसे बात करते हैं। सॉरी, और बात करते हैं। चेस के लिए आई हो? कब से खेल रही हो चेस? सर, 6-7 इयर्स। और तो अपना घर कहाँ पे है? मेरा घर मार्कम कॉलेज के पास है। यस सर, कोमल कुमारी सिंह। हाँ, कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से आया हूँ। कब से खेल रहे हैं आप? 1-1.5 साल हो गया। चेस हम जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तब मेरे पापा बोले थे कि थोड़ा सा चेस खेल लो, उसमें पढ़ाई में भी ध्यान आएगा और मैथ्स में भी इम्प्रूव करोगे। तो फिर मैंने चेस खेलना शुरू किया था क्लास 7 में। अब मैं 8 में हूँ, 8th क्लास में। तो मेरा बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ था, पेशेंस आएगा, चिंता की जो शक्ति होता है वो भी बढ़ेगा, ये वगैरह बहुत कुछ काम है। और चेस के साथ मेडिटेशन, तो बहुत कुछ हेल्प होता है चेस में। मैं अगस्त 2021 में पहले खेलना चालू किया था चेस। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है खेलना, और मैं इंडिया में खेल रहा हूँ जो कि अपना मैच। पहले मैं तो वही मैं इंग्लैंड में अपना मैचेस खेलता था, अब यहाँ पे खेल के मुझे अच्छा लग रहा है। बेसिकली हम मुंबई से आए हैं, महाराष्ट्र से, और हम लोग एक्चुअली हर जगह पे जहाँ पे भी रेटिंग टूर्नामेंट होती है वहाँ पे जाते हैं, चेस का गेम खेलते हैं, ये जानते हैं कि कौन से लोग कैसे खेलते हैं, वो लोग चेस को किस तरीके से देखते हैं। बराबर है। तो हम लोग का मेन काम क्या है कि हम लोग का मेन काम ये है कि हम लोग कैसे चेस को आगे बढ़ाए, सिर्फ इंडिया लेवल पे ही नहीं, ग्लोबली भी। तो समझो कि आज हम यहाँ पे आए हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए, यहाँ पे ये आके ये जानेंगे कि लोग कौन सा ओपनिंग खेलना प्रेफर करते हैं, फिर वो बेसिस पे हमको क्या है कि चेस में क्या चल रहा है, आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, कि आगे के जो प्लेयर्स रहते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जिनको चेस चालू करना है, बराबर, जिनको चेस की लाइन में जाना है, तो उनको हम किस तरीके से कोचिंग प्रोवाइड करा सके, उनका गेम कैसे इम्प्रूव कर सके, हम वो बिजनेस में मेनली हम वो काम करते हैं। तो इधर मेन आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे आया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए, कि फील्ड टूर्नामेंट कैसे कंडक्ट होती है एंड आगे इधर क्या स्कोप है, बस वो रिसर्च के लिए आए हैं। आज हजारीबाग में नेशनल लेवल का चेस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है, आयोजन किया जा रहा है, और एक बहुत ही अच्छा आयोजन मैं मानता हूँ। एक तो हजारीबाग को नेशनल लेवल पे चेस में पहचान देने का ये काम करेगा। इससे पहले भी हम लोग नेशनल लेवल का और स्टेट लेवल का चैम्पियनशिप यहाँ करा चुके हैं और काफ़ी सफल तरीके से हम लोग करा चुके हैं। HDCA की यहाँ की जो बॉडी है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन, काफ़ी काबिल लोग इसमें हैं और काफ़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, जिनके वजह से हम लोग लगातार यहाँ, ये तीसरा मौका है पिछले 2 साल के अंदर कि स्टेट और नेशनल लेवल की टूर्नामेंट्स हम लोग यहाँ करा रहे हैं। विभिन्न राज्यों से यहाँ बच्चे आए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ 4 दिनों तक ये कॉम्पिटिशन चलेगी और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो प्लेयर जाएंगे आगे जाके भारत का नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे, कई लोग इंटरनेशनल मास्टर बनेंगे, ग्रैंड मास्टर्स बनेंगे, और ये चूंकि रेटेड चैम्पियनशिप है, यहाँ से जो भी बच्चे जाएंगे ये अपना अपना रेटिंग लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक उनके चेस करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और मैं सभी को बधाई देता हूँ और HDCA को खास करके मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि इस तरह का आयोजन उन्होंने किया है, एक बहुत ही सफल और भव्य आयोजन के द्वारा किया गया है। चेस की धरती रही है भारत, जो है वो चेस की धरती है, इसका जन्म यहीं हुआ। तो ये
धीरे धीरे समय के साथ थोड़ा सा जो प्रतिभाएं हैं वो दब गई थी, उनको मौके नहीं मिलते थे, मगर अच्छी बात है कि अखिल भारतीय स्तर पर यहाँ आयोजन हो रहा है और ये तीसरा साल है मेरे ख्याल से। तो इस बार 14 राज्यों के प्रतियोगी यहाँ आए हैं, ये बड़ी घटना है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और इसको हर घर का खेल बनाना चाहिए, क्योंकि जो दिमागी कसरत है वो बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में कम्पीट करने के लिए। ये चेस का प्रतियोगिता यहाँ पे हज़ारीबाग में आयोजित हो रहा है। हज़ारीबाग के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि ये राष्ट्रीय आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है और लगभग पूरे देश से 350 के लगभग में जो है खिलाड़ी यहाँ पर अभी आए हुए हैं और अगले 4 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलेगी। हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन जो है इसके तत्वावधान में ये गेम हो रहा है और उनके सभी मेंबर्स को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना कि उन्होंने इस खेल का आयोजन करके हज़ारीबाग का जो सर है को पूरे देश में ऊपर किया है कि हज़ारीबाग ऐसा छोटा ज़िला भी राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो कर सकता है। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in